Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion, and in last class we had discussed about the distance and displacement. Accordingly, we have discussed the speed. Today we are going to discuss velocity. So what is velocity? Velocity kya hai? Velocity kuch bhi alag nahi hai. Agar speed mein direction ki baat ki jaye, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज, बॉडी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड के डेफिनेशन में हमने डिस्टेंस के टाइम रेट को चेंज किया था, यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज को हम कहेंगे वेलोसिटी। मीन्स स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। So velocity is defined as displacement upon time. Displacement upon time. Displacement vector quantity है और time scalar quantity है। किसी भी vector quantity में scalar quantity से या तो multiply करें, इसलिए एक vector quantity है। Displacement vector quantity है तो velocity भी vector quantity है। So velocity is a vector quantity. Vector quantity. ठीक है। And SI unit, displacement की unit भी meter होती थी और time की second होती थी, इसलिए इसका SI unit होगा meter per second. SI unit is meter per second. Right? अब इसमें velocity अगर uniform नहीं है, uniform velocity कब होगी? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो वेलोसिटी कैन चेंज इधर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इवन दो मैग्नीट्यूड सेम रहे तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। तो यूनिफॉर्म ना होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। वेलोसिटी कैन चेंज ईदर by changing its magnitude or direction or both। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी चेंज हो जाएगी, और दोनों चेंज हो जाएगा तब भी हो जाएगा। वेलोसिटी कई बार ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे सर्कुलर वेलोसिटी की बात करें तो सर्कुलर वेलोसिटी में ये बॉडी अगर कोई ट्रेवल कर रहा है फिक्स स्पीड से तो उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा ही फिक्स रहेगी, कांस्टेंट स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर की तरफ होगी, इधर होगी, इसी तरह से यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी। डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, सरफेस पे टेंजेंशियल होगा उसकी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड में भी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कही जाएगी।
यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड से चेंज हो जाए या डायरेक्शन से चेंज हो जाए, तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसकी कुछ ग्राफ की बात करते हैं। ये अगर मैं कहूं कि ये टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर सेकंड में, टाइम इन सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो ये वेलोसिटी जैसे जैसे यहाँ बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी को। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ 20 है, ये कहते हैं, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बॉडी लगातार चल रही है, प्रोवाइडेड इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज ना हो रहा, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, और ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसको और देखूं ऐसा कि ये एक कर्व हो और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी ऐसे चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इसकी लगातार जो है वो चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है, और ये वेलोसिटी लगातार जो है, जैसे यहाँ पे टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, टाइम जब आपने एक सेकंड देखा तो वेलोसिटी ये थी, ठीक है, दो सेकंड बाद देखा तो वेलोसिटी ये थी, तीन सेकंड बाद देखा तो वेलोसिटी ये, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, समय बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है लेकिन ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ऐसा ही हो सकता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी हो सकता है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कोई बॉडी ऐसे जाए और ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ के यहां तक गई, कुछ वेलोसिटी हुआ, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होते होते क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो ये कहेंगे कि वेलोसिटी उसकी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके का ये वेलोसिटी कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में जो है पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर अगर गिरता है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसकी वेलोसिटी, आपने सुना होगा कि वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ रही होती है, बॉडी फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, तो उसकी वेलोसिटी लगातार जो है वो बढ़ रही होती है, तो लगातार इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद कांस्टेंट रेट से। तो कैसा होगा कि जब वहां से आपने छोड़ा तब उसकी वेलोसिटी थी जीरो और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स रेट से उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये है मोशन वेलोसिटी है, यहाँ पे लिख देता हूं ये वेलोसिटी, और ये है टाइम, ये है ग्राफ ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रहा है तो उसकी ग्राफ ये होगी, एक फिक्स रेट से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इस तरीके से उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा, तो स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा, स्पीड में लेकिन चेंज होगी, स्पीड में चेंज होगा, स्पीड लगातार इंक्रीज करेगा, तो यूनिफॉर्म हुआ? नहीं हुआ, ये भी हुआ नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ क्योंकि स्पीड जो है वो फिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
इसी तरह से किसी गाड़ी में अगर ब्रेक, तो उसकी स्पीड लगातार घट रही होती है, घट रही होती है तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, मान लेते हैं कि जब गाड़ी आप चला रहे थे, जब आप सामने कोई चीज देखा आपने, तब उसकी स्पीड उस समय कितनी थी? उस समय उसकी स्पीड थी 40, मान लेते हैं। उसकी स्पीड उस समय कितनी थी? 40 थी। तो अब जब आपने ब्रेक लगा दिया, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटने लग गई, और घटते 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 क्या हो गई? थोड़ी दूर गाड़ी जा करके थोड़े समय बाद उसकी स्पीड हो गई लगभग लगभग 0। तो ये है, 40 की स्पीड थी उसकी, और जब आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, मान लीजिए ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और पर आवर की स्पीड थी, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने देखा कि सामने कोई व्हीकल है और अचानक से गाड़ी में कोलिजन ना हो जाए, तो आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाते लगाते यहां पर आकर के, और थोड़े टाइम बाद जो ये टाइम है, मान लीजिए कि 5 सेकेंड बाद जाकर के उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग 0 हो गई। तो ये कह सकते हैं कि इतने समय बाद, तो ये भी है वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही एग्जाम्पल है, इसमें कुछ अलग नहीं। सारे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल है ये बॉडी, ब्रेक लगाया आपने तो धीरे धीरे जाकर के ये रुक जाता है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल है। लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये समझने वाली बात है। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी से यू, एंड आफ्टर टाइम टी, टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम बिकम्स वी, राइट? यू वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम वेलोसिटी वी, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड होल डिवाइडेड बाय टू। ये होता है दो वेलोसिटी का एवरेज। ये यहां नहीं कहते, जबकि एवरेज स्पीड हम क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहां पे कहेंगे यू प्लस वी बाई टू। सो वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। ये एग्जाम्पल आप, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पे आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हम ये करते हैं कि यू प्लस वी बाई टू, तो ये आपको याद रखना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाई टू, ठीक है? अच्छा, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल एक बता देते हैं, न्यूमेरिकल जैसे कि कैसे इस पे काम करेंगे और उससे क्या फायदा होगा। बॉय साइकिल, बॉय साइकिल वाय कवर्स डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट डायरेक्शन ऑन ए रोड, रोड वाय कवर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऐसा लिख देता हूँ 200 मीटर इन स्ट्रेट डायरेक्शन ऑन रोड इन 40 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉय, चूंकि डायरेक्शन यहां वन डायमेंशनल है,
इसलिए सो द वेलोसिटी सो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर बिकॉज ही हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट रोड. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वाई की डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और वो फिक्स्ड है, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए गया और 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम ये लगा है कितना 40 सेकेंड्स. तो ये होगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है. तो 200 मीटर अपॉन 40 दैट इज 205 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल एक जगह से जा रहा है, यही बच्चा अगर 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गया और फिर वापस आ जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. मान लीजिए ए से बी तक गया 200 मीटर और फिर बी से ए तक वापस आ गया 200 मीटर, तो ऐसी स्थिति में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा फिर यहां से यहां वापस भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा जीरो. तो ये ए से गया बी तक 200 मीटर और फिर बी से ए आ गया 200 मीटर, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेट इज इक्वल टू जीरो, है ना. डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, ये नेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 200 मीटर गया है और 200 मीटर में से आया है. तो 200 प्लस माइनस 200 इज इक्वल टू जीरो. और टाइम यहाँ पे लग गया कितना मान लेते हैं कि 40 40 80 सेकेंड लग गया, 40 सेकेंड जाने के और 40 सेकेंड आने के. तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो गई. वेलोसिटी जीरो बाई 80 इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो है. स्पीड कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 200 400 मीटर और 80 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया तो 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई जीरो. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको कि जब पार्टिकल वापस आ जाए यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है. अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा. चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, मान लेते हैं कि अब इसे एक्सेलरेशन को इट इज डिनोटेड बाय बाय ए सिंबल, स्मॉल सिंबल, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन. तो इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को, हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. लेट ए बॉडी स्टार्ट स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी becomes v, v, right? Velocity है तो vector quantity देना चाहिए. Then change in velocity is final minus initial.
फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? फाइनल इज व्हाट? वी, एंड इनिशियल इज यू। चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टी, टाइम टी में चेंज हुआ। अब रेट निकालना है, टाइम रेट, तो टी सेकेंड में इतना चेंज हुआ, तो वन सेकेंड में कितना हुआ, तो उससे टी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वी माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी माइनस यू बाई टी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन, ए देयरफॉर ए इज इक्वल टू, व्हाट विल हैपन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू नीड टू लर्न, दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग एल्स बट वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो ये होता है वेलोसिटी का चेंज मीटर पर सेकेंड, टाइम का एक सेकेंड, तो सेकेंड दो हो गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होगा। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, या निगेटिव, इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव then it is called retardation or negative acceleration, retardation or negative acceleration। तो ये कब होता है? जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, जब स्पीड पहले ज्यादा हो बाद में कम होने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर स्पीड बढ़ती चली जाए धीरे धीरे, तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। गाड़ी में आपने देखा होगा, पैर रखते हैं एक्सेलरेटर पे, तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या मोटरसाइकिल में ऐसा हम करते हैं, आगे रहता है एक्सेलरेटर, तो इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, कहते हैं एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ, स्पीड को बढ़ाना, और ब्रेक लगाने के बाद स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कह सकते हैं कि अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन विल बी जीरो इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, इन केस ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो। इन केस ऑफ, ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो, दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो। If velocity is constant, then acceleration is zero। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि velocity क्या है, acceleration क्या है, velocity uniform कब होती है, non uniform कब हो सकती है, इन सब का हमने पूरा डिटेल इसमें बता दिया है, आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। और उसके बाद अगर velocity change होगी तो acceleration produce होगा, और उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव होता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। और निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हम स्पीड को कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो
और एक्सेशन कब होगा, जब हम बॉडी की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बातें आप सीख गए होंगे उम्मीद है, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।